हेलो एवरी वन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर सेवेंटी सिक्स डेट है आपकी ट्वेंटी थर्ड जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आज की वर्कशीट में फर्स्ट टास्क आपका दिया गया है फिलिंदा ब्लैंक्स फिलिंदा ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिलिंदा ब्लैंक्स है आपका कि फेसबुक इज़ डैश ग्रेट वे टू कनेक्ट विथ फ्रेंड्स तो इसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा सी जिसमें ए है आपका कि जो फेसबुक है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने दोस्तों से कनेक्ट रहने का तो फर्स्ट में आप फिल करेंगे ए सेकेंड द ब्लैंक्स है आपका कि सम पीपल थिंक फेसबुक इज़ ओनली ठीक है कि कुछ लोग सोचते हैं कि फेसबुक इज़ ओनली टू पोस्ट पिक्चर कि फेसबुक सिर्फ और सिर्फ पिक्चर पोस्ट करने के लिए होता है और थर्ड है आपका द ब्लैंक्स व्हाट्सअप स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम आर इसमें आएगा आपका अनदर ठीक है कि अनदर ऑप्शन नंबर ए आपका कि अनदर सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सअप स्नैपचैट और इंस्टाग्राम फेसबुक के अलावा दूसरे और नेटवर्किंग साइट हैं आपके सोशल नेटवर्किंग साइट है फोर्थ फिंगर बैंक से आपका स्टूडेंट हैव डैश ऑफ क्रेज़ फॉर सोशल मीडिया कि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा और लॉट ऑफ क्रेज़ होता है किसके लिए सोशल मीडिया के लिए तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा अ लॉट ओके देन फिफ्थ है आपका कि डैश सोशल नेटवर्किंग साइट हैव सिक्योरिटी पॉलिसी तो इसमें आएगा ऑल ऑल सोशल नेटवर्किंग साइट हैव सिक्योरिटी पॉलिसी कि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट की अपनी अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं अपनी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं ठीक है सिक्स है आपका डैश साइट इज़ मोर सुटेबल डिपेंड्स ऑन इट्स यूजेस तो विच की कौन सी साइट ज़्यादा सुटेबल है ये डिपेंड करती है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं तो सिक्स में आपका ऑप्शन आ जाएगा विच ए ऑप्शन जो है विच इज़ द करेक्ट आंसर ओके देन आपका सेकेंड टास्क दिया गया है की कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शंस स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हमें चूज करके अपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी फर्स्ट अ गेस्ट लिस्ट हैज टू बी ड्रॉन तो सबसे पहले हम थर्ड यहाँ पे जो है आपका डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉन इसको चूज uh, कर लेंगे अब सबसे पहले किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं एक गेस्ट लिस्ट बनाते हैं ठीक है द वेन्यू उसके बाद आएगा आपका हैज़ टू बी ठीक है हैज़ टू बी डिसाइडेड अपॉन डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट लिस्ट द फूड आइटम एंड कैटर आर फाइनलाइज द गेट्स आर इसमें आएगा आपका इन्वाइटेड ठीक है फोर्थ ऑप्शन जो है आपका इन्वाइटेड इन्वाटेड एंड इन्फॉर्म अबाउट द वेन्यू एंड टाइम तो सबसे पहले किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग गेस्ट लिस्ट बनाते हैं फिर वेन्यू डिसाइड होता है उसके बाद गेस्ट लिस्ट के तौर पर फिर डिसाइड किया जाता है कि क्या फ़ूड आइटम्स रहेंगे उसके आ, उसको डिपेंड करते हुए फिर कैटोर्स फाइनलाइज़ किए जाते हैं ठीक है द गेट्स आर उसके बाद इनवाइटेड एंड इनफॉर्म अबाउट द वेन्यू एंड टाइम उसके बाद जो गेस्ट होते हैं उनको हम वेन्यू एंड टाइम बताते हैं ठीक है प्रियर टू द बिगनिंग ऑफ द पार्टी द वेन्यू इसमें आपका आ जाएगा इज़ डेकोरेटेड ठीक है जो सेकेंड ऑप्शन है लास्ट में इज़ डेकोरेटेड अप्रोक्रिएटली और उसके हिसाब से फिर सब कुछ डेकोरेट होता है ओके okay? तो फर्स्ट में हमारा था ड्रॉन सेकंड हैज टू बी उसके बाद थर्ड में है इनवाइटेड और फोर्थ में है आपका इज डेकोरेटेड ओके तो ये थी आज की आपकी छोटी सी एक वर्कशीट